जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, कई बार हम देखते हैं लोग बहुत फट से डिसीजन ले लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत समय लग जाता है उन्हें डिसीजन लेने में। कहीं बार एक जॉब चूज़ करना, या फिर इवन एक छोटी सी चीज़, अगर हमें एक लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, उसमें भी हम बहुत टाइम लगा देते हैं। कई बार एक छोटे से काम के लिए कि हमने कहीं फ्लैट ख़रीदना है या कहीं हमने जाना है, हम जाएँ ना जाएँ, ये सारी चीज़ों में हमारी एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो काउंट होती है। आइए, इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। ओम शांति। ओम शांति। तो सर, अगर हम ये डिसाइसिवनेस की बात करें, आज की डेट में हम बहुत बहुत टाइम लगा देते हैं चीज़ों को डिसाइड करने में, तो डिसाइसिवनेस इज़ अ वैल्यू कि अगर हम देखें कि इज इट अ काइंड ऑफ अ वैल्यू विच एग्जिस्ट इन पीपल, ये है क्या एक तरीके से? वो एक्चुअली तो वैल्यू ही है, कि कईयों में वो पावर भी हम बोल सकते हैं। हाँ, कईयों में वो पावर है, कईयों में नहीं है। लेकिन आपने बोला ना, तो एवरीथिंग इज नॉट दैट सिंपल। अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। नहीं, नहीं तो सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। कभी फ्लैट लेने की भी बात है, नहीं तो भी फ्लैट लेना है, अगर आपका आप जिंदगी में एक ही फ्लैट ले पाने वाले हैं और आपने गलत निर्णय ले लिया तो दिक्कत होगी। तो करना भी है, और मतलब हर एक का अपनी स्पीड होगी। कुछ चीजें हमें फास्ट डिसाइड करनी पड़ेगी, कुछ में टाइम होगा, लेकिन वो पावर होना चाहिए, वो एक क्वालिटी भी है। तो ये टाइम कैसे डिसाइड होता है कि हम जैसे कहीं लोग कहते हैं ना कि ये जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, और कहीं कहते हैं तो बहुत टाइम लगा दो, मतलब वो टाइम फ्रेम कौन डिसाइड करता है कि डिसीजन मेकिंग का? वो तो जैसे आपका है एक बात, तो है उस फॉर एग्जांपल कि आपको फल खरीद तो भी इमीडिएटली कुछ भी दे दो ऐसा नहीं। हाँ, हाँ. तभी आपको देखना तो पड़ेगा कि वो फल अच्छा है या नहीं है, है ना? तो वहाँ उस अनुसार से टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक एसी खरीदना है, तो कुछ तो हमें रिसर्च करनी ही चाहिए। वैसे भी मुझे अपना अनुभव है, काफी टाइम हुआ ये, तो थोड़ा सोचा तो ये हुआ कि भी इन्वर्टर एसी खरीदो। तब है ना, वो जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बचेगी वो कुछ समय में वो पूरा उसको कवर कर लेगी। ऑल्दो इट इज बिट कॉस्टली, है ना? स्प्लिट एसी लेना चाहिए। फिर थोड़ा सोचा तो भी पता चला कि भी स्प्लिट एसी वो आवाज नहीं करेगा, लेकिन वो तकलीफ भी देगा, इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली। फिर नहीं, तीन चार जगह पर गए तो उसे फिर अल्टीमेटली आइडिया आया कि भी दिस इज बेस्ट। उसकी जो क्वालिटी भी है एंड प्राइस, वो दोनों चीजों को हमें चेक करना है। तो ऐसी कोई भी चीज में थोड़ी तो रिसर्च करनी ही चाहिए, रिसर्च का टाइम हम लें, लेकिन हाँ, ब्लाइंडली कर लो फटाफट, तो फिर आप गलत निर्णय पर आ जाएंगे। कई लोग जैसे ये कहते भी हैं कि हम बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन सही नहीं निकलते, गलत भी हो सा। ऐसा नहीं, फास्ट कहीं बार कितना फास्ट करते हो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना एक्यूरेट करते हो इम्पोर्टेंट है। अब कई लोगों का जो क्वालिटी की बात हमने की ना, तो कुछ लोग है ना, जब भी ड्रेस पहनना, हाँ जी, दैट शुड बी फास्ट। हाँ, अब वो जैसे वो कई लेडीज मेरे ख्याल से एक घंटा दो घंटे लेडीज क्या, अगर मेन भी हम बात करें वो भी बहुत टाइम लगाते हैं आज के, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। और तब तो ये करना पड़ेगा कि जब आप खरीदते हैं तभी ध्यान दो कुछ चीजों पर, कि भी ये पैर ठीक है, तो बस वो पैर आपको निकालनी है। मैं देखती हूँ कईयों को भाई जी, कि उन्होंने कोई चीज खरीदी, वो सिर्फ दो बार पहनते हैं वो, उसके बाद उन्हें अच्छी नहीं लगती वो। सो इसको हम मतलब क्यों लिया था आपने, डिसाइसिवनेस भी अगर मैं सोचूं, एक तो शौक भी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई चीज हमने ली
तो उसको भी हमें उसका करना, सही उपयोग करना भी हमें करना चाहिए। हाँ, जो बहुत पैसे वाले अलग चीज है, परंतु जो एवरेज मिडिल क्लास के लोग है, मैं अपने ड्रेस खरीदा तो उसको आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पर भी कहेंगे कि चाहे वंस इन अ मंथ हो या तो ऐसे ड्रेस हो सकती है कि जो आप स्पेशल ओकेजन पर पहनते हैं तो तब उसका नंबर आना ही चाहिए, नंबर आना चाहिए। वो तब जब आपने खरीदा उस समय जैसे कि डिसीशन है ना, बुद्धि लेती है, तो बुद्धि आपकी सही है, वो क्लियर है, स्टेबल है, तो फिर आप सही निर्णय ले पाएंगे। हाँ, मैं इसी पे आ रही थी कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, या फिर जो लोग डिसाइसिव हैं, जो लोग बहुत सोच समझ के एक अच्छा निर्णय जल्दी ले लेते हैं, इफेक्टिव भी हैं, एफिशिएंट भी हैं, तो उन लोगों में ऐसी क्या क्वालिटी है जो हम बिल्ड कर सकते हैं ताकि हम भी जो डिसीजन मेकिंग है स्ट्रॉन्ग कर सकें? एक तो है ना, वो इंटरनली उनमें क्या कहेंगे कि मेंटल अप एंड डाउन नहीं है। हाँ, कि कभी टेंशन में आ गए, कभी खुश हो गए, कभी कुछ हुआ, वो एक उनका कहेंगे कि मेंटल लेवल भी स्टेबल है। फिर उनकी जो बुद्धि है ना, वो क्लियर है ना, और वो फोकस भी है। और फिर वो व्यक्ति भी जिसमें यह है, वह यह भी निर्णय करेगा कि भी कौन सी चीज है, जैसे मैंने कहा भी फल खरीदना है से तो 2 मिनट देनी है ना, आपको एसी खरीदना है, हो सकता है पहली बार ले रहे हैं, आपको 2 घंटे का भी टाइम लग सकता है कि उसकी थोड़ी रिसर्च करने के लिए। इसे अभी घर खरीदना है, हो सकता है कि 1 महीना भी लगे। एक तो आपको उसमें प्रॉपर सर्च भी करनी चाहिए भी मेरे लिए कौन सा इलाका बेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो कौन सा फ्लैट आपको नहीं अच्छे में मिल रहा है उस समय के हिसाब से, क्योंकि कई बार होता है ना, जिसको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डिस्परेट सेल भी होता है। हाँ, 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 कि कोई हाँ, थोड़ा उसको भी बहुत जरूरत है और वो बेच रहा है, तो आपको सस्ते में भी मिल सकता है। तो वो सारी चीजों को अगर हम देखे, चाहे तो आप भले 25 फ्लैट देख भी लो, और ये भी नहीं करो कि भाई जैसे भी जनरली वो ब्रोकर्स दिखाएंगे तो जितना मर्जी हो देखते जाओ, ऐसा नहीं, क्योंकि ब्रोकर की भी अपनी पॉलिसी होती है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शंस भी हमें देखना, वैसे ही लॉजिकल चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले से ये भी डिसीजन कि भी मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज नेसेसरी फॉर मी। हाँ, सपोज आपको 3 BHK का फ्लैट चाहिए तो आपने पहले डिसाइड किया है ना, मे बी आपको हायर फ्लोर पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, है ना, कितना ओपन हो, एवरेज उसका एरिया कितना हो, कितनी अच्छी सोसाइटी हो, ये आप पहले से, ये तो सिंपल सा काम है। फिर ब्रोकर को यही बात बताओ और को भैया तू सब नहीं दिखा, मेरी ये जो है और मेरा बजट है उसके अनुसार ही तू मुझे दिखा फ्लैट्स। अब मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी, कई बार जॉब के ऑफर्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, अब लोग कंफ्यूज हैं, पैसा तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन हो सकता है कि मेरे को टाइमिंग बहुत ज़्यादा डिवोट करना पड़ रहा है। हाँ। तो हम उस केस में कैसे अपने आप को इतना प्रिपेयर करें कि हम डिसीजन लें, मतलब कौन सी डिसीजन सही रहती है? नहीं, अभी जब कोई भी जॉब लेना है तो उसके कई पहलू हैं। एक तो डेफिनेट है कि भी आप कितनी इनकम होगी, परंतु दूसरा है कि आप इसको कितना इंजॉय करेंगे, तीसरा ये फैक्टर है कि आपकी एप्टीट्यूड उसको मैच होती है या नहीं, अर्थात कि वो इजी है करना, है ना, आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो स्किल सही ही है अंदर में, और चौथा कि भी वहाँ का माहौल आपका कैसा है, ना, आज मेट्रोज में तो देखो तो आपको ट्रैवल कितना करना है वो भी काउंट करना चाहिए। आज बॉम्बे में कई लोग है कि उनको 3 घंटा जाना है, 3 घंटा वापस आना है, तो कहते भी 6 घंटे तो हमारे ट्रैवलिंग में लग रहे, तो उससे अच्छा भी नजदीक में आपका जॉब है, चाहे सैलरी थोड़ी कम भी मिलती हो, अगर आप 2 घंटे बचा रहे है ना, तो उसे भी आपको काउंट करना चाहिए। नया क्या सीखने को मिलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं वहाँ ग्रोथ कितना पॉसिबल है,
ऐसी सब बातों को काउंट करके फिर हम जॉब का डिसीजन लें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है उस वक्त और किसी के लिए पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट है। तो हम अगर डिसीजन लें तो हमें ये भी देखना है कि हमारा क्या वैल्यू सिस्टम उस टाइम या हमारी क्या नीड है सबसे ज्यादा। क्या सिर्फ नीड नहीं, सपोज आपको पैसे की जरूरत है परंतु उस जॉब में प्रेशर बहुत है। प्रेशर भाई मैं कह रही हूँ, वैल्यूज भी हमें अपनी ध्यान में रखनी है कि अगर या तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर तब बीमार हो जाएंगे। शायद आपको 10,000 रुपए ज्यादा भी मिल रहे हैं लेकिन आप बीमार हो जाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ कोई जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो इन चीजों को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नो, आर यू गोइंग टू एंजॉय दैट वर्क। और दूसरा कि वो आपके लिए नेचुरल होना चाहिए, काम किया ऐसा लगे ही नहीं, क्योंकि जो हमारे में एप्टीट्यूड है ना, एक तो करने में हमें आनंद आता है, फिर वो अपने लिए नेचुरल है, वो कोई आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक डेवलप भी किया जा सकता है कि भी उस चीज को आप इंजॉय भी करो, वो स्किल्स को आप डेवलप करते जाओ, जैसे भी हमारा है कि भी जितना हम स्टडी करेंगे है ना, मेरा मेडिसिन का नॉलेज बढ़ेगा, पेशेंट्स की मैं स्टडीज करूंगा तो उतना मैं अच्छा रिजल्ट भी दे सकता हूँ, और जब पेशेंट आते हैं तब भी हम थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सही निर्णय कर पाएंगे, सही दवाई दे पाएंगे और क्विकली उसको हम रिजल्ट्स दे सकेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि डिसीजन मेकिंग, अगर हम ये जॉब के केस में भी देखें तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने पहले पॉइंट्स लिख लें कि मुझे क्या चाहिए। कि अगर हमारे पास वो रिटर्न होगा तो थोड़ा ज्यादा हम अच्छे से कंपेयर कर सकेंगे। तो हर बात में एक्चुअली बहुत छोटी में नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा भी बड़ा, आपको एक कार खरीदनी है तो हम लिख सकते हैं। हाँ, नोट करो कि आपको क्या क्या इश्यूज, क्या क्या एस्पेक्ट्स को आप कंसिडर करना चाहते, फ्लैट खरीदना है क्या क्या करना चाहते, तो आप जल्दी उस निर्णय पर आएंगे और आपका निर्णय सही होगा, है ना, फिर पछताना नहीं पड़ेगा। भाई जी, अगर मैं एक चीज आपसे और जानना चाहती थी कि डिसाइसिवनेस हम कहते हैं एक वैल्यू है, तो हम उसे बिल्ड कैसे करें? सपोज हम में नहीं है, हम जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, हमें बहुत टाइम लग जाता है, हमें इवन हम फिकल माइंडेड रहते हैं, मतलब कि चूज करने में प्रॉब्लम रहती है, तो उसको हम बिल्ड कैसे करें? तो अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने डिस्कस किया उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, वो फैक्टर तो है ही है, उसके अलावा जो फैक्टर है वो ये है कि हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक पूरी लाइफ के प्रति भी क्लैरिटी, तब फिर आप प्रॉपर आगे बढ़ेंगे। स्वमान को बढ़ाओ, भी जो लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं उनमें स्वमान की भी कमी होती है, क्योंकि यही समझते कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ तो मैं अच्छा निर्णय भी नहीं करता हूँ, ऐसा सोच के फिर वो निर्णय ही नहीं करते हैं। और फिर बुद्धि में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, भी दो फैक्टर में कहूंगा, पॉजिटिविटी एक तो, और दूसरा प्यूरिटी भी, प्यूरिटी इन द सेंस कि भी बुद्धि कंफ्यूज नहीं है, उसमें ईर्ष्या नफरत ऐसी चीजें भरी हुई नहीं है, वो एक नहीं, क्लियर है उनकी बुद्धि, क्लियर स्लेट, हाँ, वो क्लियर है तो वो जल्दी से सही निर्णय ले पाएगा। और फिर कंसंट्रेशन को भी बढ़ाओ, कि जिनका कंसंट्रेशन कम है वह फिर डिस्टर्ब होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि औरों के ओपिनियन को महत्व नहीं देना है, आपने अगर ठीक से निर्णय लिया है, फिर चाहे कोई कहे कि तुमने गलत किया, कोई बात नहीं है ना, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भी चेंज ना हो, परंतु एक बार हो गया तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट, यू शुड बी हैप्पी। और मैंने देखा है कि हम लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन लोग हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कि अरे ये मत करो, ऐसे सही नहीं रहेगा, तो क्या हमें उनकी ओपिनियंस भी कंसिडर करनी चाहिए? हम लोग कोई चीज बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं लेकिन हमें लोग मना कर रहे हैं ये मत करो, इससे फॉर एग्जांपल मैरिज, सो वी वांट टू मैरी समबडी, वी हैव चोजन अ लाइफ पार्टनर, बट आवर पेरेंट्स से कि नहीं ये सही नहीं है आपके लिए,
ये बिल्कुल गलत है, इनसे आप बिल्कुल शादी नहीं कर सकते, तो क्या उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर एक्शन? या एक्चुअली बेन, ये इम्पोर्टेंट डिसीजन है. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो कि आप है ना एक इमोशंस में डिसाइड नहीं करो, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ होल लाइफ ना. कि किसी व्यक्ति की कोई एक चीज आपको अच्छी लग गई और आप सोचो अब इसी के साथ मुझे सारा जीवन बिताना है, तो वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है कहीं. वो मतलब इम्पल्सिव डिसीशन ना हो. और जो सेकेंड फैक्टर की भी फिजिकल अट्रैक्शन में, तो मैं तो कहूंगा जाओ ही नहीं. क्योंकि ना वो ज्यादा टिकता नहीं है. जो चीज मेंटेन होती है ना, वो और फैक्टर से, मैंने कई बार इसकी चर्चा तो की है कि और जो बातें है कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, वो आपको ट्रस्ट कितना करता है, रिस्पेक्ट कितना देता है ना, अंडरस्टैंडिंग उसमें कितनी है, अपने आप को चेंज कितना, बहुत सारे और फैक्टर्स है कि जो जीवन भर आपको मदद रूप होंगे. इन चीजों को ध्यान दो और फिर आप एक निर्णय पर आओ. और जैसे भी लाइफ पार्टनर को चूज करने की बात है ना, उसमें भी गलती क्या होती है और प्रॉब्लम भी क्या होता है कि पहले ना लड़का और लड़की दोनों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, अपने से बहुत उसका हाई होता है. लेकिन वो थोड़े समय में समझ में आ जाते हैं कि ऐसा मिलना मुश्किल है, स्पेशली इन अरेंज मैरिज है ना. फिर वो लोग रिड्यूस करते हैं अपना, बट विच इज नॉट अ राइट थिंग. हो सकता है कि तब तक वो लड़का या लड़की रुकेंगे नहीं. हाँ जी. तो मैं जो समझता हूँ, मैं कई बार ये एडवाइस भी देता हूँ लोगों को कि आप निर्णय कर लो, आपका जो लेवल है, आपका एजुकेशन और चीजें सब के आधार से आप सोचो कि भी ऐसा ऐसा मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए. और फिर जो भी रिसोर्सेस है उससे 3-4 महीना लगाओ. और उसमें यही होगा कि भाई सब तुमने 10 लड़के देखे तो उसमें से 5 ने हाँ बोली आपके बारे में, 5 ने ना बोला है ना. तो अभी वो 5 की चॉइस है आपके पास. तो फिर वहां अगर थोड़ा ही टाइम है तो कोई रुकेगा भी. जिन्होंने हाँ कहा, आप कहो कि हम 10 दिन में 15 दिन में आपको जवाब देते हैं, तो रुकेगा भी. फिर सोचना है कि ये चीजें मेरे लिए पॉसिबल है, इसमें से मुझे निर्णय करना है ना. और फिर निर्णय करो. मेरे ख्याल से वो संस्कारों का मिलन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे संस्कार नहीं मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट और जो आपने भी बात बोली कि रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि संस्कार ही वहाँ पे एक क्लैश. तो कहीं नहीं, आदतें भी. कुछ बहुत कमाता है लेकिन शराब पी रहा है. हाँ, वही संस्कार तो हमारा अलग हो गया. सपोज आप समझते कि मुझे वेजिटेरियन फूड ही पसंद है और उसको टोटल नॉन वेज अच्छा लगता है, तो फिर आप वहाँ और मतलब दुखी होंगे लाइफ में. तो मेरे ख्याल से अगर हम इसकी बात करते हैं कि डिसाइसिवनेस हम देखें, कई बार अगर हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करें? तो वहाँ ये करना पड़ेगा कि चलो एक निर्णय हो गया, तो अभी वो लॉस कितना है और उसको एक्सेप्ट करो आप. एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस. कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने एसी खरीदा, गलत खरीद लिया, तो भी आपका लॉस है भी 15,000 का, 20,000 का. उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लो. कई लोग ब्लेम करने लग जाते हैं. वो अगर डिसीजन उन्होंने लिया लेकिन वो, अरे आपने मेरी लाइफ खराब कर दी, आपने ऐसे कर दिया, आपने ही तो बोला था मैंने इसलिए जॉब चूज करी. मतलब मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर हम ब्लेम ना करके ओनरशिप लेके भी एक्सेप्ट करें चाहिए ना, तो वो एक आई थिंक जैसे भी जॉब की बात है. वहाँ तो ये भी हम एक एटीट्यूड ले सकते हैं. हाँ जी. कि यहाँ भी कुछ सीखने को मिलेगा और 6 महीना या 1 साल में मैं दूसरा भी तो ढूंढ सकता हूँ, है ना. कोई लाइफ लॉन्ग डिसीजन तो नहीं है. तो चलो ये भी जॉब मिला, उससे भी तो कुछ सीखने को मिलेगा. एक मेरी सिंपल एडवाइस यही होती कि छोड़ नहीं दो. आपको पसंद नहीं है फिर भी उसको कंटिन्यू करिए और दूसरा ढूंढिए. आप दूसरा ढूंढते रहिए, फिर जो भी आपका नोटिस पीरियड है वो आप दे पाएंगे. परंतु आप छोड़ के बैठ गए और फिर आपको दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है तो और दुखी होंगे और आप निराश होंगे. और बाय चांस जॉब चला भी जाता है तो भी हमें हैसल होने की जरूरत नहीं है. जैसे हमने एक एपिसोड में बात भी करी थी कि
फेलियर कुछ नहीं होता है. समटाइम्स वी हैव सेटबैक्स बट दे आर लेसंस. हम उन पे आई थिंक राइज कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हर एक फेलियर आपको आगे ले जा सकती है, उसका सही उपयोग किया जाए तो. ना और डायरेक्शन चेंज करना, मैंने कहा भी था आपको. आई थिंक मेंटली हमें उस टाइम उस सिचुएशन से अपने आप को थॉट का परिवर्तन करना पड़ेगा. अगर हम उस थॉट को परिवर्तित कर देंगे तो मेरे ख्याल से हमारे एक्शंस, हमारा इंटेलेक्ट डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ेगा. बढ़ेगा हाँ. और क्लैरिटी है, डिसीजन में भी है. जैसे भी पानी भी हिल रहा है तो आप अपना चेहरा क्लियर नहीं देख सकते. हाँ जी. वैसे ही आपकी बुद्धि भी हिल रही है तब डिसीशन सही नहीं ले पाएंगे. और अब क्लियर सिचुएशन भी नहीं देख सकते. बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए तब आप परिस्थिति को क्लियर देख पाएंगे. और फिर अल्टीमेटली तो है ना, ये एक क्वालिटी हो जाती है. तब व्यक्ति पीसफुली सही निर्णय फटाफट लेता है और फिर वो कहीं डिस्टर्ब होता ही नहीं. मेरे ख्याल से भाई जी हमने बहुत अच्छा आज जो डिस्कशन किया है कि अगर स्थिरता रहेगी मन में और हमारा मेंटल स्टेबिलिटी रहेगा तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. क्लैरिटी होनी, और इवन आई थिंक जब भी हम कंफ्यूज्ड हों हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम पॉइंट्स लिखें कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस टाइम. अब हमारे लिए कुछ हो सकता है 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके हिसाब से हमें कोई ऑप्शन मिल रही है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कुछ भी. इवन सबकॉन्शियस पे छोड़ दो, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अंदर से इंट्यूटिव आंसर मिलेगा. इंट्यूटिव आंसर भी आपको, आप उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं. इवन मेडिटेशन के थ्रू भी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन करें तो वी विल गेट आंसर डेफिनेटली. थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन. ओम शांति. ओम शांति. तो दर्शकों, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स अगर आपके पास हैं आप हमें भेजिए. आप हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे लिंक्स और हमारे नंबर सारे डिस्प्लेड हैं. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 8094913487.